कैसे कैसे रंग लिए हैं, खुशियाँ अपने संग लिए हैं, जुगनू फूल सितारे कलियाँ, तोते चिड़िया तितली परियां पूछे लाश की मानी, तितली ढूंढे आज कहानी। सिम सिम हमारा सिम सिम, सिम सिम हमारा सिम सिम, सबको अपना दोस्त बनाए, खेले कूदे नाचे गाए, इन चीजों का मतलब क्या है, देखे सोचे और पा जाए। सिम सिम हमारा सिम सिम, सिम सिम हमारा सिम सिम, रात में चमके जुगनू बनकर फैले हर सू खुशबू बनकर, रास्ता रास्ता साथ चले हम कमजोरों का बाजू बनकर। सिम सिम हमारा सिम सिम, सिम सिम हमारा सिम सिम। ये देखिए मास्टर जी, पत्तों का रंग बदल गया है और बाहर दरख्तों पे पत्ते भी गिर रहे हैं। इसलिए रानी कि ये खिजां का मौसम है। इसमें क्या होता है कि दरख्त के जो पत्ते हैं ना, वो लाल पीले हो जाते हैं और फिर गिरना शुरू हो जाते हैं। मास्टर जी, कितने मौसम होते हैं? मौसम चार होते हैं रानी, सर्दी, गर्मी, खिजां, बहार। और सर्दी के मौसम में तो बहुत ठंड होती है और हम गर्म कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल, और रात को सोते वक्त हम रजाई या कंबल ओढ़ते हैं। हाँ, और गर्मी के मौसम में? गर्मी के मौसम में क्योंकि गर्मी होती है ना, हल्के हल्के कपड़े पहनते हैं, आधी आधी आस्तीनों वाली कमीज वगैरह वगैरह वगैरह। और गर्मी ही के मौसम में बारिशें भी होती हैं। मुझे तो बारिशें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं। और बस बारिशों के बाद फिर खिजां का मौसम आ जाता है ये वाला, और उसके बाद सर्दी, और सर्दी के बाद फिर बहार आती है जिसमें दोबारा दरख्तों पे पत्ते निकलते हैं, फूल खिलते हैं, सब कुछ हरा भरा हो जाता है। हर जगह फूल ही फूल होते हैं। फूल ही फूल। मुझे तो ये मौसम बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। रानी अब ये बताइए, कितने मौसम होते? चार, बहार, सर्दी, गर्मी और खिजां। बिल्कुल ठीक। शुक्रिया मास्टर जी। आज का लफ्ज। एल्मो, ये बताओ इन दोनों तस्वीरों में क्या फर्क है? फर्क? इमोजी, फर्क क्या होता है? जब दो चीजें एक सी ना हो तो इसका मतलब है उनमें फर्क है। नहीं समझ आई। अच्छा, गौर से देखो, पहले उस तस्वीर को गौर से देखो। हाँ, उसके पत्ते छोटे छोटे हैं, ठीक है, और ये जो तस्वीर मैं बना रहा हूँ इसके पत्ते बड़े बड़े। अब एमो को समझ आ गई कि फर्क क्या होता है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि इन दोनों में और क्या फर्क है? हाँ, इमोजी, एक और फर्क है। क्या? इस वाली में बादल है और इसमें बादल नहीं है। बहुत अच्छे। और क्या फर्क? हाँ, एक और इसमें चिड़िया है और इसमें चिड़िया नहीं है। बहुत अच्छे, शाबाश। अब एल्मो को फर्क का पता चल। हाँ, हैं? हाँ, इमोजी, हाँ, हम में भी फर्क है।
क्या फर्क है? पता है, आप बहुत बड़े हैं और एमओ छोटा सा है। बिल्कुल ठीक। और एक और, एमओ लाल है और आपके बाल सफेद हैं। हाँ। और आज का लफ्ज है फर्क। बताएंगे वो क्या है, वो हम रानी और बेली से पूछते हैं। जी दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि बेली और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। और मैं बताऊंगा कि हम दोनों में फर्क है। नहीं बेली, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। हम दोनों में फर्क है। नहीं बेली, तुम्हारी भी दो आंखें हैं और मेरी भी दो आंखें हैं, इसलिए हम दोनों एक जैसे हैं। रानी ठीक कह रही है। लेकिन रानी के कान छोटे छोटे हैं और मेरे कान बड़े बड़े हैं, इसलिए फर्क है। बेली ठीक कह रहा है। लेकिन बेली, मेरी भी एक नाक है और तुम्हारी भी एक नाक है, इसलिए हम दोनों एक जैसे हैं। लेकिन रानी के बाल बड़े बड़े हैं और मेरे बाल छोटे छोटे हैं, इसलिए फर्क हुआ ना। लेकिन बेली, मैं भी बोलती हूँ और तुम भी बोलते हो, इसलिए हम दोनों एक जैसे हैं। रानी ठीक कह रही है। लेकिन मेरी हंसी और तरह की है और तुम्हारी हंसी और तरह की है, इसलिए फर्क है। हाँ, कैसे? ऐसे। लगता है इन दोनों में बहुत सी बातें फर्क है और बहुत सी बातें एक जैसी, लेकिन एक बात हम तीनों में एक जैसी है। वो क्या? वो क्या? हम तीनों दोस्त। मुन्ने की पसंद। किरण कहाँ है? किरण कब आएगी? मैं आ गई। किरण किरण किरण, हमारे लिए क्या लाए हो? ये देखो, फूल और पत्ते। हाँ, हम ये फूल और पत्ते अपने ब्लैक बोर्ड पे लगाएंगे, फिर तो हमारी क्लास बहुत अच्छी लगेगी। तो चलो सजाना शुरू करें। ठहरो 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 किरण। क्या हुआ मुन्ना? किरण, हम इन फूल पत्तियों को ऐसे लगाएंगे कि सब देखने वालों को ना बहुत अच्छा लगे। वो कैसे? मैं बताता हूँ। किरण, पहले आप एक फूल लगाएं। अब आप एक और फूल लगाएं। अब आप एक पत्ता लगाएं। अब आप एक और फूल लगाएं। नहीं, एक और फूल लगाएं।
अब एक और फूल। और फिर एक पत्ता। दो फूल और एक पत्ता। हाँ, दो फूल और एक पत्ता। हमारी क्लास तो बहुत अच्छी लग रही है। और हमारी क्लास को जरूर फर्स्ट पोजीशन मिलेगी। हाँ, अगर पहली पोजीशन लेनी है ना, तो इसी तरीके से फूल और पत्तियां लगाने पड़ेंगे। हाँ। चलो और लगाओ, और लगाओ। पहली पोजीशन, ये। मेरे पास कुछ जानवरों की तस्वीरें हैं। मैं उनके साथ एक तरतीब बनाऊंगा। पहले एक जराफा, दूसरा जराफा और अब एक हाथ। अब एक और जराफा, अब एक और जराफा और फिर एक हाथी। ये मेरा पैटर्न बन गया। जराफा, जराफा, हाथी, जराफा, जराफा, हाथी। अब इस पैटर्न में क्या आएगा? जराफा, फिर एक और जराफा, फिर एक हाथी। मैं यही पैटर्न रखूंगा। अब क्या आएगा? जराफा, बिल्कुल सही, फिर एक जराफा। अब आगे, फिर जराफा, नहीं। अब हाथी की बारी है। मेरा पैटर्न बन गया। जराफा, जराफा, हाथी, जराफा, जराफा, हाथी। आप देख रहे हैं कि बच्चे तस्वीरें बना रहे हैं। आइए चल के देखते हैं कि किस बच्चे ने कौन सी तस्वीर बनाई है। दिखाओ मुन्ना, ये क्या है? जी मिस, देखे। वाह, दरख्त तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये पत्तों पे सफेद सफेद क्या है? ये मैंने बर्फ गिरी दिखाई है। क्यों? क्योंकि मैं ना सर्दियों के मौसम की तस्वीर बना रहा हूँ। तभी इस बच्चे ने टोपी और कोट पहना हुआ है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ मैं इसे मफलर भी बना दूँ, ताकि ना इसको कानों पे सर्दी ना लगे। शाबाश मुन्ना, इसको मुकम्मल करो, बहुत अच्छे। फातिमा, ये तुम्हारे दरख्त के पत्तों पे बर्फ क्यों नहीं है? इसमें गर्मी का मौसम बना है। और ये बच्ची कहाँ भाग रही है? मिस, ये आइसक्रीम लेने जा रही है। हाँ, गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ। वाह रानी, तुम्हारे दरख्त के पत्ते तो बड़े हरे भरे हैं। मैं बाहर का मौसम बना रही हूँ। अच्छा, और ये जो बच्ची है ये इतनी खुश क्यों है? मिस, ये बच्ची मैं हूँ, क्योंकि मैं बाहर के मौसम में बहुत खुश होती हूँ। शाबाश, बहुत खूबसूरत और बड़ी प्यारी तस्वीरें हैं। अब इनको जल्दी से मुकम्मल करो। हाँ किरण, तुम्हारे दरख्त के पत्ते क्यों झड़ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि मैं खिजा का मौसम मना रही हूँ, और इस मौसम में तो पत्ते झड़ते हैं। और ये बच्चा इतना चुपचाप क्यों है? क्योंकि ये गिरते पत्तों को देखकर उदास हो रहा है। मौसम सब बहुत अच्छे होते हैं और हमें हर मौसम का मजा लेना चाहिए। मिस, अब हम इन तस्वीरों का क्या करेंगे? हाँ, सोच के बताती हूँ, आओ मेरे साथ। आओ, शाबाश। देखा आप सबने कि बच्चों ने कितनी खूबसूरत और शानदार तस्वीरें बनाई, और ये सब तस्वीरें लगेंगी क्लासरूम में। देखो, ठीक है मुन्ना? जी। पाकिस्तान में कई पहाड़ हैं, कई समंदर हैं, तो कई सहरा हैं। कई पहाड़ों पर सारा साल बर्फ जमी रहती है। यही वजह है
कहीं हमें मिट्टी से बने घर दिखाई देते हैं तो कहीं दरख्तों के पत्तों से बनी झोंपड़ियाँ नज़र आती हैं। पाकिस्तान में कई किस्मों के जानवर पाए जाते हैं, मसलन मोर, कबूतर, मछली, गाय, घोड़े वगैरह। कुछ जानवर तो सवारी के काम आते हैं और कुछ जानवर जैसे घोड़ों को खेलों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ जगहों में रहने वाले बच्चे मुख्तलिफ किस्म के लिबास पहनते हैं और तरह तरह की ज़बानें बोलते हैं। दूर दूर रहने वाले बच्चों की बोल चाल में भी फ़र्क होता है, लेकिन एक बात जो हम सब में एक जैसी है कि हम सब पाकिस्तानी हैं। एक दफा का जिक्र है, एक बहुत दूर रियासत में एक बादशाह और एक मलका रहते थे। दोनों के पास दो दो नाक थी। वो एक वक्त में दो छींके मार सकते थे। रियासत की दो नाक वाली शहजादी एक नया दोस्त घर ले आई। मुख्तलिफ लोग एक साथ खेलने लगे। कहानी खत्म। डब्बू, तुम कहाँ जा रहे हो? अम्मा, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम्हारी ऐनक कहाँ है? ऐनक? अम्मा, मैं आज ऐनक नहीं लगाऊंगा। वो क्यों? क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त ऐनक नहीं लगाता। तो फिर क्या हुआ? ऐनक लगा के मैं बहुत मुख्तलिफ लगता हूँ ना। ये क्या बात हुई? तुम्हें ऐनक की जरूरत है बेटा। लेकिन ऐनक लगा के मैं बहुत अजीब लगता हूँ। ऐनक लगाना अजीब बात नहीं है। बहुत सी बतखें ऐनक लगाती हैं। नहीं अम्मा, मैं आज से ऐनक नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर टब्बू ऐनक नहीं लगाएगा तो फिर वो पढ़ेगा कैसे? हाँ, अब तो वो हमारे साथ खेलने भी नहीं आता। इसीलिए तो मैं भी परेशान हूँ। मुन्ना, तुम भी तो ऐनक लगाते हो? हाँ, मैं ऐनक लगाता हूँ और कभी भी किसी ने मुझ में और खुद में फर्क भी नहीं किया। तो हमें ये बात डब्बू को समझानी चाहिए। हाँ, जरूर समझानी चाहिए। शुक्रिया बच्चों, चलो आओ अब चलते हैं। हाँ ठीक है। डब्बू, ऐनक लगा लो। नहीं अम्मा, मैं ऐनक नहीं लगाऊंगा। ठीक है टप्पू, तुम ऐनक मत लगाओ, लेकिन ये तो बताओ कि ऊपर उस दरख्त पर क्या है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। वो चिड़िया बैठी हुई है ऊपर दरख्त पे। चिड़िया? हाँ। इसीलिए तुम्हें घर से नहीं निकलता। तो क्या स्कूल भी नहीं जाओगे? नहीं, बल्कि मैं घर में ही पढ़ लूंगा। ठीक है डब्बू, तुम घर पे ही पढ़ना, हम तुम्हारे साथ पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा डब्बू, ये बताओ कि वो क्या लिखा है साइन बोर्ड पे? साइन बोर्ड पे? कहाँ? हाँ कुछ है तो सही, लेकिन इस पे क्या लिखा है मुझे नजर नहीं आ रहा। वो बस स्टॉप लिखा है। हाँ। लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा था ना। क्यों? क्योंकि मेरी नजर कमजोर है। तो क्या हुआ डब्बू? मेरी भी नजर कमजोर है, लेकिन मुझे सब साफ दिखाई देता है क्योंकि मैं ऐनक पहनता हूँ। लेकिन
मुझे लगता है कि अगर मैंने ऐनक लगाई तो मैं सबसे बहुत मुख्तलिफ लगूंगा। नहीं टप्पू, अगर तुम ऐनक पहनकर हम सबके साथ पढ़ोगे और खेलोगे तो बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं लगोगे। अच्छा, बाकी मैं मुख्तलिफ नहीं लगूंगा? अच्छा, एक मिनट रुको, मैं अभी आया। देखो मैं मुख्तलिफ लग रहा हूँ ना? हाँ, लेकिन पहले से भी ज्यादा प्यारे लग रहे हो। हाँ, प्यारा लग रहा हूँ? और भी अच्छा लग रहा है रानी, ठीक कह रही हो, मेरी तरह। अच्छा तो चलो फिर मैं ये ऐनक लगी रहने देता हूँ और मुझे नजर भी साफ साफ आ रहा है। ठीक, चले चले। हाँ। चलो चलो चलते। चलो चलते, आ जाओ रानी। चलो चलो चलो। गाजर गोभी भिंडी शलजम धरना लेकर आए,